सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए सख्त कानूनों के बावजूद लगातार महिलाओं के उत्पीड़न के मामले दर्ज होते जा रहे हैं। हाल ही में राजधानी लखनऊ में गैर धर्म के युवक से परेशान नाबालिग युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक ओर जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला अपराधों की रोकथाम के लिए सख्त निर्णय ले रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में महिला अपराध लगातार तेजी से बढ़ रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आधार पर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ केसों में वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि महिला अपराध करने वालों को सजा दिलाने में सबसे आगे है, 59.1% की दर से महिला अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा मिली है, लेकिन सख्त कानूनों के बावजूद महिला अपराधों में नियंत्रण नहीं किया जा सका है। सूबे में महिलाएं रेप, छेड़खानी, पिटाई और घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। कुछ दिन पहले लखनऊ में सुफियान नामक युवक ने एक युवती की हत्या की थी, वही एक बार फिर लखनऊ पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। ऐसा ही एक मामला राजधानी लखनऊ के मड़ियांव क्षेत्र के प्रेम नगर कॉलोनी से आया है, जहां एक नाबालिग युवती को पड़ोस का ही शादीशुदा युवक रफीक सिद्दीकी गैर धर्म में शादी करने का दबाव बना रहा था। आए दिन युवक की अश्लील हरकतों से परेशान होकर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने युवक पर आत्महत्या के लिए उकसाने, जबरन गैर धर्म में शादी करने की गंभीर धाराओं में थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मामला सर, ये बगल काम करता था, कारखाना था, 2 साल पहले ये हमारी बिटिया ये जाती थी घर में वहाँ काम करने, उसके बाद में यहाँ कारखाना बंद कर दी। बंद करने के बाद बिटिया हमारी नौकरी दूसरी जगह करने लगी। रफीक सिद्दीकी सिलाई का काम करता था, बोरी का। फिर हमारी बिटिया दूसरी जगह नौकरी करने जाती थी, उसका घर रास्ते में पड़ता था। उसने फिर टॉर्चर इसको करना चालू कर दिया सर, आके फिर यहाँ घर पे भी धमकाए घुरकाए। बच्ची ने हमको बताया था, फिर हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं हिंदू कहाँ हूँ। मंडल नहीं, पुलिस से नहीं हमने मदद मांगी, क्योंकि इज्जत बचाने के लिए हमने नहीं किसी को सोचना दी। थाना पुलिस अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लेकर आरोपी युवक को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। डीसीपी नॉर्थ ने मामले में सख्ती के साथ विधिक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। कल दिनांक 9/1/2023 को थाना क्षेत्र मड़ियांव में वादी श्री संतराम शर्मा द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि उनकी पुत्री जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है, उसने फांसी लगा करके सुसाइड किया है। उस प्रार्थना पत्र में यह भी बताया गया कि सुसाइड करने का कारण एक लड़का जिसका नाम रफीक सिद्दीकी है, ये लगातार इनकी पुत्री को परेशान करता था और जिसे तंग आकर पुत्री ने कदम उठाया है। तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाता है और दबिशें दी जाती हैं। फलस्वरूप आज रफीक को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। भले ही प्रशासन अपने स्तर पर राज्य में महिला अपराधों की रोकथाम में कोई कमी नहीं छोड़ रही है, तो वहीं अब महिला अपराध रोकथाम कानूनों का उल्लंघन भी दर्ज हो रहा है। हालांकि कानून से ही महिला अपराधों पर रोकथाम नहीं लगाई जा सकती, बल्कि समाज में सभ्य समाज को आगे आकर महिला अपराधों को रोकने की पहल करनी चाहिए, ताकि समाज में रहने वाली महिलाओं के लिए सकारात्मक माहौल बन सके। राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त और गैर सरकारी संगठन को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। समाज के बीच जाकर महिला कानूनों के प्रति जागरूक कर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक लड़की ने एक लड़के के दबाव में फांसी लगा दी। साफ साफ ये जाहिर होता है कि लड़का उसे लगातार दबाव बना रहा था, और सबसे बड़ी बात ये सामने निकल कर आती है कि लड़का लगातार उसे धर्म परिवर्तन और एक विशेष समुदाय के तौर पर शादी करने के लिए उकसा रहा था। परिवार वालों ने कई बार शिकायतें की, लेकिन उन्हें केवल मिला तो केवल धमकी, और धमकी से वो लगातार क्षुब्ध थे, उन्हें डर भी लग रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं लड़की इस बात से प्रताड़ित थी कि उसके पास केवल एक ही ऑप्शन है या फिर एक ही विकल्प है, वो अपनी जान दे दे।
पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और मामला बढ़ता देख पुलिस ने आरोपी को मात्र 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ कई दावे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग, ऐसे आशिक इस समाज में हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी की बेटी या फिर किसी की लड़की को जान देना पड़ता है। कैमरामैन सुधीर के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। सुल्तानपुर के धनउडी गांव में सनसनी फैलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक मां ने धारदार हथियार से 4 साल के मासूम को मौत की नींद सुला दिया। अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के में आकर एक निर्दयी मां ने अपने बच्चे की ही हत्या कर दी। आइए देखते हैं इस पर ये हमारी खास रिपोर्ट। समाज में मां की भूमिका का महत्व अलग ही है। मां की शिक्षा दीक्षा में बच्चों का चरित्र निर्माण से लेकर उनके जीवन का मार्गदर्शन तक करती है। अगर धरती पर कोई भगवान है तो वो माँ ही है। बच्चों के खाने पीने से लेकर पढ़ने लिखने तक हर तकलीफ में माँ का मातृत्व ही काम आता है। माँ ममता और प्यार की मूरत होती है, जो अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार करती है। लेकिन सुल्तानपुर के धनुडी गांव में हुई वारदात ने आज पूरे प्रदेश की माँ को कलंकित किया है। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना के धनुडी गांव में एक कलयुगी मां ने तंत्र मंत्र के चक्कर में अपने बच्चे की हत्या कर दी। कलयुगी मां ने फावड़े से ताबड़तोड़ हमला कर 4 साल के बच्चे को मौत की नींद सुला दी। हत्या के दौरान महिला एक बार बच्चे की चीख पुकार नहीं सुनी, वरन एक के बाद एक वार करके बच्चे की हत्या कर दी। महिला के अन्य बच्चों से पूछताछ में पाया कि वह मानसिक रूप से बीमार है, जिसका इलाज भी किया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। लोगों के बीच हत्या की वजह चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग कलयुगी मां के कई किस्सों की चर्चा करते नजर आ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने घटना में संज्ञान लेकर हत्या के आरोपी कलयुगी मां को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना गुसाईगंज क्षेत्र में मजरा धनुआ डी में आज सुबह एक माँ के द्वारा अपने 4 माह के शिशु की फावड़े से मार के हत्या कर दी गई। महिला पुलिस की हिरासत में है। शुरुआती पूछताछ और जानकारी के अनुसार प्रकरण अंधविश्वास से संबंधित पता चल रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। धन्यवाद। हालांकि बच्चे की हत्या की वजह जानने के लिए ग्रामीणों में उत्सुकता नजर आई है, वहीं गांव के अन्य बच्चों की मां इस वारदात से सकते में है। आखिर कैसे एक निर्दयी मां ने बच्चे की हत्या कर मौत की नींद सुला सकती है। लेकिन हत्यारी मां को पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। चर्चा का विषय यह भी है कि क्या मां की ममता से बड़ा अंधविश्वास था या फिर कुछ और। हजारों गम हो तब भी मैं खुशी से फूल जाता हूं, जब हंसती है मेरी मां तो मैं सारे गम भूल जाता हूँ। ये शायरी आप सब ने तकरीबन सुन ही होगी। माँ शब्द को किसी शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन आज एक हम आपको ऐसी घटना बताएंगे कलयुगी माँ की, जो सुल्तानपुर की रहने वाली है, गोसाईगंज इलाके की। उसने तंत्र मंत्र के चक्कर में अपने ही 4 माह के बच्चे को फावड़े से मार डाला। उसके बच्चे बताते हैं कि उसकी माँ कई दिनों से परेशान थी, बीमार थी, उसके बावजूद भी किसी तरह अपने बच्चे को वहां से ले जाती है और पीपल के पेड़ के बाहर फावड़े से उसका कत्ल कर देती है और वहीं तकरीबन काफ़ी देर तक बैठी भी रहती है। सूचना पर ग्रामीण पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचती है, पुलिस हिरासत में लेती है, उसके बाद जानने की कोशिश करती है कि आखिर माँ ने अपने ही 4 माह के बच्चे को क्यों मारा। कहीं ना कहीं पुलिस भी इस एंगल से लेकर चल रही है कि इसके पीछे तंत्र मंत्र हो सकता है। और दूसरी बात बता दूं आपको कि उसका पति बाहर रहता था, काफ़ी चिंतित था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बच्चे उसके साथ रह रहे थे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज देश चांद पर पहुंच गया है, इतनी तरक्की कर चुका है, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तंत्र मंत्र के चक्कर में अपना और अपने परिवार का और समाज का ही नुकसान कर देते हैं। कैमरामैन सुधीर के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। राजधानी लखनऊ में सनसनी फैलाने वाला एक मामला सामने आया है, जहां बड़ी बहन के प्रेमी युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर छोटी बहन की निर्मम हत्या कर दी है। एक बार फिर
रिश्तों को कलंकित कर दिया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजधानी लखनऊ में एक के बाद एक आपराधिक गतिविधियों के केस दर्ज हो रहे हैं। सबसे अधिक मामले महिला अपराधों से संबंधित हैं। आए दिन राजधानी किसी न किसी घटना के बाद रक्त रंजित होती है। प्रशासनिक सख्ती के बावजूद दरिंदे पूरी तरह से बेखौफ हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत आपराधिक गतिविधियों और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए की गई थी। हालांकि कमिश्नर प्रणाली के बाद अपराधियों पर सख्ती के साथ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, फिर भी अपराधों में कमी दर्ज नहीं हो पाई। हाल ही में इटौंजा थाने इलाके में एक वारदात सामने आई जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। इटौंजा थाना निवासी एक परिवार ने 1 जनवरी 2023 को अपनी बड़ी बेटी की गुमशुदा की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई कर हत्या में शामिल युवक युवती को गिरफ्तार किया। डीसीपी नॉर्थ का क्राइम टीम और थाना इटौंजा का पूरा टीम इसमें बहुत अच्छा से मेहनत किया है। इनका फादर, जो विक्टिम का फादर है मूलचंद, पुलिस में होमगार्ड के पद पे तैनात है और हमारे द्वारा अच्छा से खुलासा किया गया है और डीसीपी सर ने गिरफ्तारी करने वाला टीम को 15,000 रुपये का इनाम भी दिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने दिल दहलाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि 31 दिसंबर की रात महक की हत्या कर उसके शव को ठिकाने लगा दिया था। महक की गलती बस इतनी सी थी कि बड़ी बहन के प्रेमी की जानकारी परिजनों को देना उसे महंगा साबित हो गया। दरिंदे पवन ने दोस्त के साथ मिलकर महक के दुपट्टे से गला घोटकर उसे मौत की नींद सुला दी। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। हत्या के सभी आरोपी अपनी सजा भुगतने को तैयार हैं, लेकिन क्या हिरासत से ही महक के कातिलों को सजा जायज है जिन्होंने एक नाबालिग युवती को बेरहमी से मौत दे दी। बड़ी बहन ने एक बार फिर सभी रिश्तों को कलंकित कर दिया, जो हत्या और शव को ठिकाने की जगह जानते हुए भी न ही परिजनों को और न ही पुलिस अधिकारियों को घटना के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध करा रही थी। काश महक चुप रहने की सोचती तो क्या पता वो जिंदा बच सकती थी। अपनी बहन के प्रेमिका के बारे में बात करना या बताने की सोची तो उसकी मौत हो गई। उसके प्रेमिका और उसके दोस्त ने महक को मिलकर दुपट्टे से मार डाला। बात घटना 1 जनवरी की है, जब महक को और उसकी बहन को इन दोनों शातिरों ने मिलने बुलाया था। उसके बाद मिलने की सोची तो महक को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोनों फरेबियों कातिलों ने लाश को ठिकाने लगाया और पुलिस बल ने उन्हें मात्र 5 दिन के अंदर खोज निकाला। हालांकि पुलिस बल की इतनी मुस्तैदी काबिले तारीफ भी है, तो वहीं डीसीपी नॉर्थ ने पुलिस बल और सर्विलांस टीम को 15,000 इनाम देने की घोषणा की है और दोनों कातिलों को, आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। कैमरामैन राहुल के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। फिलहाल क्राइम से जुड़ी हमारी इन खास रिपोर्टों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।